किसान उत्पादक कंपनियों हेतु सतत व्यापार विकास दर दो दिवसीय कार्यशाला भोपाल में संपन्न। बाजरा, मिलेट व अन्य कृषि उत्पादों की हुई लॉन्चिंग। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजना अंतर्गत गठित किसान उत्पादन कंपनियों के बिजनेस के विस्तार को लेकर सॉलिड रिडार्ड संस्था द्वारा दो दिवसीय कार्यशाला भोपाल के जहानुमा पैलेस में आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान के 5 FPO सरसो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सवाई माधोपुर, झामड़ोली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड टोंग, श्रीदेव नमाना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बूंदी, चौथ भवानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बूंदी एवं किशनगंज शिवशक्ति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बारा ने भाग लिया। कार्यक्रम में सरसो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के बाजरे के उत्पादन का लॉन्चिंग मुख्य अतिथि मंडी बोर्ड MD गौतम सिंह, IAS एवं डिप्टी डायरेक्टर लघु कृषक कृषि व्यापार संघ डॉ. रंजीत सिंह राजपूत, सॉलिड रेडार्ट के जनरल मैनेजर डॉ. सुरेश मोटवानी, वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक सॉलिड रेडार्ट हिमांशु वैस एवं अन्य पदाधिकारी गण की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से आए शासन के अधिकारियों, विभिन्न संस्थाओं एवं कंपनियों, कृषि के क्षेत्र में काम कर रही विभिन्न बीज मशीनरी कंपनियों द्वारा FPO को देय योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही किसान कंपनियों को दिए जा रहे उद्योगों पर लोन और उस पर अनुदान, FPO के विभिन्न प्रकार के लाइसेंस एवं उनको बनवाने की प्रक्रिया, प्रोडक्ट बनाने से लेकर पैकेजिंग एवं मार्केटिंग, APDA रजिस्ट्रेशन आदि के बारे में विस्तृत जानकारी सभी FPO के पदाधिकारियों को दी गई। इसी बीच श्री चौथ भवानी द्वारा पिछले वर्ष किए गए एक बड़े लेवल पर बिजनेस के लिए सम्मानित भी किए गए एवं जो अच्छे FPO हैं उनका अनुभव साझा कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें अन्य FPO भी अपना बिजनेस सुचारू रूप से कर सके। BPN News संवाददाता की सोर टावर की रिपोर्ट।